आम्रपाली का दान कैसा था? एक समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थायी परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद आ, हम वैशाली चलें। बहुत अच्छा कह आनंद ने स्वीकार किया। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। वहाँ वे वैशाली में आम्रपाली के आम्रवन में रहे। तब आम्रपाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं। उसने कई राजकीय रथ जुटवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली की ओर से अपने उद्यान में गई। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहाँ तक रथ से जाया जा सकता था वह रथ से गई। उसके बाद वह रथ से उतरकर जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँची और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वह वहाँ बैठी थी उसे भगवान बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत को दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। तथागत ने उसे मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंतर प्रदक्षिणा कर चली गई। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी भगवान बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुटवाए और अपने वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। इधर से जा रहे थे और उधर से आम्रपाली आ रही थी और आम्रपाली लिच्छवियों के रथों से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली, क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? स्वामियों, तथागत प्रमुख भिक्षु संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आम्रपाली, हम में से 1 लाख ले ले, यह कल का भोजन हमें कराने दे। स्वामियों, यदि आप नगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें, तब भी मैं कल का भोजन आपको नहीं कराने दे सकती। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते आ रहे थे, इस आम्रपाली में हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में पहुँचे। यद्यपि वे जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ले गई है, तो भी उन्होंने सोचा कि हम
भगवान बुद्ध के पास चलें। हो सकता है कि वे अब भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे दें। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छुओं को दूर से ही आते देखा, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो, वे इन लिच्छवियों को देखें, वे इस लिच्छवी मंडल को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली से अनुमान लगा लें, यह दिव्य लोक के देवताओं के समान है। जहाँ तक रथों से जा सकते थे, वहाँ तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े, और तब जहाँ तथागत थे वहाँ पहुँचे और अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ले गई। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहाँ से विदा हुए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खादनीय भोजनीय की तैयारी कराई और समय की सूचना भिजवाई। समय हो गया और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित जहाँ आम्रपाली का निवास स्थान था वहाँ पधारे। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मधुर खादनीय भोजन से समर्पित किया। यह अंत तक स्वयं आग्रहपूर्वक परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदनंतर भगवान बुद्ध ने धनानुमोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठकर चले गए। नमो बुद्धाय।